गाइस भारत को एक और गोल्ड मिल चुका है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे 19 साल के जेरेमी लाल रेनुंगा ने पुरुष वेट लिफ्टिंग 67 किलोग्राम भारत वर्ग में गोल्ड जीता है। जेरेमी लाल रेनुंगा ने स्नैच में रिकॉर्ड 140 किलो वजन उठाया, वही क्लीन एंड जर्क में वह 160 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रहे। उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चोट खा बैठे लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गाइस इस भारतीय खिलाड़ी की हिम्मत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। गाइस वैसे तो हम बादलों के बीच हवाई जहाज से ही जा सकते हैं मगर वहाँ रह नहीं सकते। गाइस इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। गाइस आज मैं आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा जो बादलों से भी ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, इस गांव का नाम अल हुतैब, जो यमन की राजधानी सना के पश्चिम मनक के हरत क्षेत्र में स्थित है। गाइस ये गाँव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर ऊँचा है। बादलों से ऊँचा बसा होने के कारण यहाँ कभी वर्षा नहीं होती, क्योंकि बादल इस गाँव के नीचे ही बरसते हैं और सूर्य के उगने पर यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस भारत में बहुत ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यमयी हैं। एक मंदिर जो आंध्र प्रदेश का लेपांची मंदिर, ये 70 खम्भों पर टिका हुआ है। रहस्यमयी बात यह है कि उन 70 खम्भों में से एक खम्भा जमीन को टच ही नहीं करता है, कई जमीन को छूता ही नहीं है। वो खम्भा हवा में लटका हुआ है। ये कैसे लटका है, इसका क्या रहस्य है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे बर्मिंगम में मीराबाई चानू ने देश के लिए साल का पहला गोल्ड मेडल जीतकर शुरुआत कर दी है। गाइस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। गाइस मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वाले वर्ग में कमाल दिखाते हुए गोल्ड पर कब्जा किया है। ये इस साल का पहला गोल्ड मेडल है। मीराबाई चानू ने स्नैच राउंड में 88 किलोग्राम वजन उठाकर सबसे ज्यादा वजन उठाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गाइस इन पर हर देशवासी को नाज है। गाइस इनके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।